अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। आज अभी जो है मैं यहाँ पे मूवी देखने आया हूँ, तो सबसे पहले हम मूवी देखेंगे दम मस्तम, और उसके बाद बाकी मूवीज़ भी ऐसा ऐसा देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दम मस्तम के हवाले से बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको एक टूर करवा दूँ, यहाँ पर पोस्टर्स दिखा देते हैं, ये चक्कर पर्दे में रहने दूँ, दम मस्तम एंड घबराना नहीं। पोस्टर जो है अगर देखा जाए तो सबसे पहले पोस्टर मुझे ये वाला ये वाला, तो ये जो है मैं आपको बाकी सिनेमा का भी जो है साथ ही साथ टूर करवाऊँगा। ये वो है, ये देखिए उन्होंने जो शो की टाइमिंग रखी है थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि 4:30 से पहले अभी कोई शो अवेलेबल नहीं है। ऑलरेडी शोज वगैरह जो है वो चल चुके हैं, 4:30 तक कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होता है मैंने खैर दम मस्तम की 5:30 बजे की बुकिंग करवाई। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँ, अपनी जर्नी सब कुछ शेयर करूँ। ये जो है ये मूवी भी अभी जो है वो रिलीज हो गई, अभी इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया है कुछ सीन्स की वजह से, शायद रिव्यू करेगी। ये घबराना नहीं है पोस्टर है, और पर्दे में रहने तो वहाँ के लोगों का काफ़ी रश भी ऐसा ऐसा हो रहा है, जैसे ही टाइमिंग जो है वो इसकी करीब आ रही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, एक मॉल का भी देखें। ये देखिए यहाँ पे बुकिंग हो रही है, लेकिन अभी जो है इतना ज़्यादा रश नहीं है जितना कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी मूवीज़ का ईद पे होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बज नहीं है अभी। अभी लोग ज़्यादा नहीं हैं, एडवांस बुकिंग भी नॉर्मल ही है, इतनी ज़्यादा कोई नहीं है। थोड़ा शोज़ के हवाले से बात करें तो पर्दे में रहने तो इसको ज़्यादा शो मिले हैं, और घबराना नहीं है उनको सबसे कम शो घबराना नहीं को मिले पर्दे में रहने दो एंड चक्कर, इन दोनों को सेम शो मिले हैं। तीसरे नंबर पे है दम मस्तम, दम मस्तम को उसके बाद, यानी कि पहले चक्कर, दूसरे नंबर पे पर्दे में रहने दो, तीसरे पे दम मस्तम और चौथे पे घबराना नहीं है। तो ये शोज़ के हवाले से है, इनको ज़्यादा शोज़ मिले एट्रियम में। अभी जो करंटली स्टेटस है, अभी ये मूवीज़ रिलीज़ हुई है 4, घबराना नहीं है, दम मस्तम, पर्दे में रह दो तो एंड चक्कर। तो अभी जो करंटली चल रहा है बिज़नेस, तो ईद के पहले दिन सबका बहुत ही लो रहा है। अब आगे देखते हैं कि कब तक ये मूवी जो है, ये है डॉक्टर स्ट्रेंज, ये कब तक रिलीज़ होती है, क्योंकि अभी फिलहाल इसके ऊपर भी जो है वो बैन लगाया गया है। पाकिस्तान में बैन नहीं है, एक दफ़ा दोबारा इसको रिव्यू किया जा रहा है। और यह है रहबरा, ये होगी रिलीज़ 24 जून को। इसके बाद जो है ये इस मूवीज़ का बिज़नेस जो है अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो जैसे ही फाइनलाइज होता है हम आपको बिल्कुल बता देंगे कि क्या हिसाब किताब है तमाम तर मूवीज़ का। कायद आज़म जिंदाबाद का पोस्टर्स जो है वो भी ऑलरेडी जारी कर दिए गए हैं, जो कि रिलीज़ होगा ईद उल अज़हा के ऊपर। तो ये थी अब तक की अपडेट, और ये जो है ये देखिए आप इस वक्त हम मौजूद है एट्रियम सिनेमा में, ये मैं हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दी मूवीज़, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मूवी जो है बहुत ही अच्छा बिजनेस करे। जैसे ही कोई हमारे पास फर्दर अपडेट आती है देन हम आपको गाइड कर देंगे इस हवाले से। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मस्त शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग भी जाके तमाम तर मूवीज़ देखें और पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें। ये है पर्दे में रहने दो, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है के बारे में बता देता हूँ। इनके पोस्टर जो है मुझे थोड़े से अनअट्रैक्टिव लगते हैं, तो नस्बत किया अगर आप दोनों में खुद ही कंपेरिजन कर लीजिए। आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।